हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेड आर टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बाय मिस्टेक अपने अकाउंट से, अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट या किसी रील्स को डिलीट कर देते हैं तो आप उसको किस तरह से वापस ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी डिलीट हुई पोस्ट या रील्स वगैरह को वापस लाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जेड आर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा अपने इंस्टाग्राम में। चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम में चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको पहले एक रील्स और पोस्ट मैं आपको डिलीट करके दिखाऊँगा, उसके बाद हम उसको रिकवर करना सीखेंगे। तो चलिए मैं अपनी प्रोफाइल में चलता हूँ। प्रोफाइल में चलने के बाद मैं यहाँ पर अपनी किसी एक रील्स को डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए मैं अपनी इस रील को डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी ये रील्स को डिलीट कर दिया है। चलिए, ये डिलीट हो रही है और यहाँ पर मेरी ये रील्स डिलीट करने के बाद मैं अपनी एक पोस्ट को भी डिलीट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेरी अब ये रील्स यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से किसी पोस्ट को ले लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इस पोस्ट को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। एक मैं यहाँ पर पोस्ट भी डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए डिलीट, यहाँ पर मैंने अपनी एक रील्स और एक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। अब हम इसको रिकवर करना सीखेंगे। तो इसमें मैं अपने इंस्टाग्राम की अकाउंट में हूँ। तो पहले दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी भी होंगी, उसमें आपको बताया गया होगा कि आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको अपनी यहाँ पर प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद एक यहाँ थ्री डॉट्स ऊपर मिल जाते हैं आपको, यहाँ सेटिंग्स में जा, फिर यहाँ पर आने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वो लोग एक ऑप्शंस बताते हैं रिसेंटली डिलीटेड का, लेकिन वो रिसेंटली डिलीटेड का अब यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है, वो ऑप्शंस कहीं और चला गया है। आज की स्टूडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी की सेटिंग में ना घुसें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीधा वहाँ पर जाएं, आपको वहाँ से वो ऑप्शंस मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा से आपको बता दूँ, मैंने वो डिलीट कर चुका हूँ। अब मुझे उसे रिकवर करना है तो मैं फिर से अपने इंस्टाग्राम में आ जाता हूँ और इंस्टाग्राम में आने के बाद यहाँ पर मुझे अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे एक ऑप्शंस यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शंस में चले जाना है। मैं यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शंस में चला जाऊँगा, सॉरी बैक आ जाते हैं। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर जब हम थ्री लाइंस में ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शंस मिलेगा योर एक्टिविटी वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको वहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा रिसेंटली डिलीटेड का। रिसेंटली डिलीटेड जहाँ पर डस्टबिन बन रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके आगे आपको डिलीट हुई हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर पोस्ट है और आप यहाँ पर रील्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो जो रील्स मैंने यहाँ डिलीट की हुई है आपको वो दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पर जैसे अगर मैं चाहता हूँ अपनी इस पोस्ट को रिकवर करना तो मुझे इस पोस्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्ट के कॉर्नर में ऊपर राइट में थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, आपको उन थ्री डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे डिलीट और रिस्टोर का। अगर आप यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे रिस्टोर वाले ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपका आगे पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, आपको फिर से रिस्टोर वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है और अब आप अपनी इस पोस्ट को अपनी प्रोफाइल में देख सकते हैं। आपकी ये पोस्ट है वो वापस से आपकी प्रोफाइल में चली जाएगी। अब बात आती है रील्स को कैसे करें, तो आपको रील्स वाले ऑप्शंस पर चला जाना है। फिर आपको रील्स वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद रील्स पे क्लिक कर लेना है। रील्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको थ्री डॉट्स मिल जाएंगे, सेम उसी तरह आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसमें भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं डिलीट और रिस्टोर का, तो आपको यहाँ पर भी रिस्टोर कर लेना है। रिस्टोर करने के बाद फिर से पॉपअप विंडो ओपन होगा, उसके बाद आपको फिर से रिस्टोर वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है कुछ सेकंड का, उसके बाद आपकी ये रील्स भी आपके अकाउंट में प्रोफाइल में चली जाएगी। चलिए देख लेते हैं आई है क्या नहीं आई है। यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल में चला जाता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद मैं एक बार रिफ़्रेश कर लें आप ज़रूर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको देख लें तो यहाँ पर अभी नहीं आई है। थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं रील्स वाले ऑप्शंस में चला जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी ये रील्स वापस आ चुकी है। तो ये मेरी रील्स वापस आ चुकी है। अब बात करते हैं पोस्ट की।
कि पोस्ट भी वापस आई है क्या नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी ये पोस्ट भी वापस आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी डिलीट की हुई इंस्टाग्राम की पोस्ट एंड रील्स को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, साथ साथ शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।